जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक सैनिक का जीवन के बारे में। जब वह अपनी देश सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसका सेकंड करियर यानी गवर्नमेंट द्वारा उसका रिएम्प्लॉयड कराना क्यों जरूरी है और उसका औसत उम्र में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मंडल द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि फौजीज रिटायरी अर्ली एंड आल्सो डाई अर्ली, गवर्नमेंट स्टडी ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज 77 ईयर्स एंड रेलवे एम्प्लॉय 78 ईयर्स, सिमिलर स्टडी कैरीड आउट बाय सर्विस हेडक्वार्टर्स फाउंड द एज सिपाही टू हवलदार 59 एंड हाफ टू 64 ईयर्स, जेएसयू 67 ईयर्स एंड ऑफिसर्स 72.5 ईयर्स। सेकंड में उन्होंने कहा है एश्योर्ड सेकंड करियर टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स बाय द गवर्नमेंट इज देयरफॉर एसेंशियल नीड टू इंक्रीज द एज एक्सपेक्टेंसी ऑफ डिफेंस पर्सन्स। इसका हिंदी में ये रूपांतरण है दोस्तों कि फौजी जल्दी रिटायर हो जाता है और जल्दी भगवान को प्यारा भी हो जाता है। एक गवर्नमेंट की स्टडी के आधार पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 77 ईयर और रेलवे का एम्प्लॉय 78 ईयर तक जीवित रहता है, उसकी औसतन एज ये बताएगी एक सर्वे के अनुसार। जबकि सेम स्टडी सर्विस हेडक्वार्टर ने की तो उसमें पाया गया अनुमानित उम्र सिपाही से हवलदार तक 59.6 वर्ष तक और जेसीओ की 67 साल, ऑफिसर्स की 72 एंड हाफ साल मानी गई है। ये औसतन एक स्टडी के अनुसार से मानी गई है। तो इसलिए सेकंड में उन्होंने बताया कि इसलिए सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करने के लिए सेकंड करियर डिफेंस पर्सनल्स की आय में वृद्धि कर सकता है, यह बहुत जरूरी है। यानी कि जब वो रिटायर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी संभव हो सके उसको सेकंड करियर शुरू करने के लिए कुछ न कुछ जॉब रोजगार उसको देना चाहिए ताकि उसकी जिम्मेदारी हल्की हो। यदि जिम्मेदारी हल्की होंगी, उसके काम बनते जाएंगे तो उसकी ऑटोमेटिक उम्र में इजाफा होता जाएगा दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।